वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स. तो आप देखें, आपको बोला गया है ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू टू, और साथ में बोला गया है कि एक्स की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, एक्स की वैल्यू ए के इक्वल नहीं है. तो पहले मैं आपको यह समझा देता हूँ कि एक्स की वैल्यू बी और ए क्यों नहीं हो सकती है. क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू बी हो जाएगी तो यहाँ पर आपको एक्स की जगह पर बी लिखना पड़ेगा. आप आगे बढ़ोगे ना तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस बी ज़ीरो हो जाएगा, और ए अपॉन ज़ीरो नॉट डिफाइंड होता है. ओके, नॉट डिफाइंड मतलब हम उस वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. अगर एक्स की वैल्यू ए ले लें तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू ए होगी तो यहाँ पर ये ए माइनस ए बन जाएगा, मतलब बी अपॉन ज़ीरो बन जाएगा ये, और जो कि नॉट डिफाइंड है. ओके, तो क्योंकि एक्स की वैल्यू कोई रियल नंबर है, वो नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता है, इसलिए हम एक्स की वैल्यू बी और ए इग्नोर करेंगे. ओके, अगर ऐसा कोई आंसर मिले तो आप उसे इग्नोर करोगे. अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि इसको सॉल्व कैसे करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक है, वो ज़रा आप समझ लो. मैं कॉपी करता हूँ, ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू, इस टू को आप ब्रेक कर दो वन प्लस वन में. वन प्लस वन टू होता है, ऐसा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. ओके, लेकिन ये जो ब्रेक आपने कर दिया है ना, इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. अब मैं आगे बढ़ूंगा और दिखाऊंगा इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे. ओके, इस ट्रिक को आप याद रखो, आप दो तीन बार प्रैक्टिस कर लोगे इस क्वेश्चन की तो हमेशा याद रहेगा. अब इस वन को लेकर आते हैं इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस वन बनेगा. दूसरे वन को भी जब लेफ्ट साइड में लाओगे आप तो ये माइनस वन बनेगा. चलिए लाते हैं, आप कॉपी करो ए अपॉन एक्स माइनस बी, और इसमें से एक माइनस वन को आप यहाँ पर ले आओ. ओके, देन आप कॉपी करो बी अपॉन एक्स माइनस ए, और आप इस प्लस वन को ले आओ लेफ्ट साइड में, ये बनेगा माइनस वन. नाउ इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, अब आप इस पोर्शन को अलग सिंप्लीफाई करो, इस पोर्शन को अलग सिंप्लीफाई करो. मैं जो भी बता रहा हूँ इसका कुछ रीज़न है जो आपको दो स्टेप के बाद समझ में आ जाएगा. अब देखो, अगर मुझे सिर्फ इतना सिंप्लीफाई करना है तो मैं, क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं तो मैं फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर देखूंगा. इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x माइनस बी है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं मतलब वन है. तो x माइनस बी और वन का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो x माइनस बी आएगा. ओके, तो आप क्या करोगे, x माइनस बी लिख लोगे एलसीएम x माइनस बी. अब आप देखो इस डिनोमिनेटर को देखो, ये भी x माइनस बी है, और ये जो आपने एलसीएम फाइंड किया है ये भी x माइनस बी है. तो आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो इस डिनोमिनेटर से एलसीएम पर आने में, यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग. ओके, तो अगर मैं ये पूछूं कि x माइनस बी में आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि आपको x माइनस बी मिल गया है, तो आप बोलोगे कि आपने वन से मल्टीप्लाई किया है. ओके, क्योंकि नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वन से मल्टीप्लाई किया है. तो उसी वन से आपको ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब आप ए को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए मिल जाएगा. इसी तरह यहाँ आप देखो, यहाँ डिनोमिनेटर वन है, वन की जगह पर एलसीएम आ गया है एक्स माइनस बी. तो अगर मैं पूछूँ वन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप बोलोगे एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यही एक्स माइनस बी इस माइनस वन को मल्टीप्लाई करेगा. जब एक्स माइनस बी माइनस वन को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको माइनस एक्स प्लस बी मिल जाएगा. अब आते हैं इस पोर्शन में, यहाँ डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा एक्स माइनस ए. ओके, ऊपर आपको मिलेगा बी, देन एक्स माइनस ए को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस ए मिल जाएगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अब आपको समझ में आएगा कि मैंने टू को ब्रेक क्यों किया था दो पार्ट्स में, और मैंने वन को इस तरह से क्यों लिखा था माइनस वन माइनस वन. ओके, प्लीज़ ध्यान से देखिए, आपको ए प्लस बी माइनस एक्स यहाँ दिखा, दूसरा न्यूमरेटर देखिए वो भी ए प्लस बी माइनस एक्स है. तो दोनों के न्यूमरेटर सेम है, ए प्लस बी माइनस एक्स. हालाँकि ऑर्डर बदला हुआ है, लेकिन ऑर्डर बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो आप लिखो ए माइनस एक्स प्लस बी, ये आपने कॉमन ले लिया. ओके, तो अगर आप ये कॉमन ले लोगे तो इस पोर्शन में आपके पास सिर्फ वन अपॉन एक्स माइनस बी बचेगा, क्योंकि न्यूमरेटर तो पूरा आपने कॉमन ले लिया, तो बचा है वन अपॉन एक्स माइनस बी. इधर आते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर तो पूरा चला गया कॉमन में, तो न्यूमरेटर में बचेगा वन, डिनोमिनेटर में बचेगा एक्स माइनस ए, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, अब ये क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो चुका है. लास्ट के कुछ स्टेप्स बड़े इजी हैं. यहाँ तक जो था ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना था, इसकी प्रैक्टिस कर लेना कई बार, अदरवाइज आप वापस भूल जाएंगे. ओके, फर्स्ट ब्रैकेट में जो लिखा है अब वो मैं यूं ही कॉपी कर देता हूँ, ए माइनस एक्स प्लस बी. दूसरे ब्रैकेट में मैं सिंप्लीफाई करने के लिए पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेता हूँ. एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए, इनका एलसीएम लेना इजी नहीं है, तो जब इजी ना हो तो उन नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, वही उनका एलसीएम है. तो
तो आप x माइनस बी को मल्टीप्लाई कर लो x माइनस ए से, ओके। अब ये x माइनस ए मल्टीप्लाई करेगा 1 में तो आपको x माइनस ए मिलेगा, प्लस x माइनस बी मल्टीप्लाई करेगा 1 को तो ये मिलेगा। अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होता है, सर आप ऐसा क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ x माइनस ए कैसे आ गया, यहाँ x माइनस बी कैसे आ गया। तो आप देखो, मैंने डिनोमिनेटर्स का जब एलसीएम लिया तो मुझे मिला x माइनस बी इंटू x माइनस ए। अब मुझे करना ये होता है कि मुझे इस डिनोमिनेटर को और इस नए डिनोमिनेटर को कंपेयर करना होता है और देखना होता है क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर आप पुराने डिनोमिनेटर से नए डिनोमिनेटर को कंपेयर करोगे तो देखोगे x माइनस ए एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा x माइनस ए आपको मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है, उस x माइनस ए से आपको न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब न्यूमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ x माइनस ए मिल जाएगा। इसी तरह आप यहाँ देखो x माइनस ए है, लेकिन ये नया डिनोमिनेटर जो कि एलसीएम है वो आप देखोगे उसमें एक्स माइनस बी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा आया है वो ऊपर इस न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा, आपको x माइनस बी मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, मुझे बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पेज में जो भी एक्सप्लेन किया गया है अगर वो क्लियर है तो देखते हैं इसके आगे क्या करना है। a माइनस एक्स प्लस बी, ये मैं कॉपी कर देता हूँ एक बार फिर, a माइनस एक्स प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आप देखो डिनोमिनेटर में है x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, ओके। इसको मल्टीप्लाई मत करो, कोई फ़ायदा नहीं मल्टीप्लाई करने से, अब ये भी पता चल जाएगा मल्टीप्लाई करने से क्यों नहीं फ़ायदा है। एक दो स्टेप्स के बाद x प्लस एक्स बन जाएगा 2x, देन आप माइनस ए माइनस बी को कॉपी कर लो, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब देखो आपके पास राइट साइड में तो 0 लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में दो ब्रैकेट्स हैं, लेफ्ट साइड में दो ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट पर लिखा हुआ है a माइनस एक्स प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x माइनस ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब देखो क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप इस पूरे पोर्शन को उठाकर भेज दो राइट साइड में, तो जो ये पूरा पोर्शन राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 0 अपॉन दिस, ओके। ये नंबर जाकर 0 के नीचे आ जाएगा, 0 को डिवाइड करेगा, तो जब 0 इस नंबर से डिवाइड होगा ना तो पूरी वैल्यू 0 ही आ जाएगी, ओके। तो इस तरह से आपके पास a माइनस एक्स प्लस बी की वैल्यू 0 आ जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि आप इसे भेज दो राइट साइड में, तो ये 0 को डिवाइड करेगा और 0 बन जाएगा, उस टाइम पर ये 2x माइनस ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। अब इन्हीं दोनों पॉसिबिलिटीज़ को आप सिंप्लीफाई कर लो, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू एक्स, एक तो एक्स की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर क्या होगा कि पहले आप डिनोमिनेटर को भेजोगे राइट साइड में तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा और ये 0 बनेगा, तो आपके पास बचेगा 2x माइनस बी इज़ इक्वल्स टू 0। उसके बाद आप a और b को भेज दो राइट साइड में तो ये a प्लस बी बन जाएगा, फिर आप 2 को भेज दो राइट साइड में, ये डिवाइड कर देगा a प्लस बी को। तो आपको x की वैल्यूज चाहिए, तो x की एक वैल्यू होगी a प्लस बी अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू होगी a प्लस बी, ओके। ये दो सॉल्यूशंस हैं x के। आई होप इट इज़ क्लियर।